ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, आप सभी को पहले करना है कि आप सभी को सिंपली इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को पिक्सआर्ट में ओपन करके आप सभी को एक स्टार का पीएनजी दे रखा है, आप सभी को इसको ले लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को दिख रहा होगा उसमें थोड़ा वाइट वाइट है, तो उसके लिए क्या करना है आप सभी को, यहाँ से आप सभी को एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को कॉन्ट्रास्ट में जाना है। कॉन्ट्रास्ट को ऊपर की तरफ बढ़ा देना तो गाइस वो अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो गाइस, उसके बाद जो है आप सभी को ये जो स्टार है हमारा रेड कलर का है, तो हमें इसको ग्रीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी गाइज ग्रीन नहीं करना है, हमें इसे करना ऑरेंज। तो ऑरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे हम एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइज आप सभी को ह्यू वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें तो ह्यू में जाना है। एंड आप सभी को ऐसे इस तरीके से आपको ऊपर नीचे करके देखना है कि ऑरेंज कलर कहाँ पे आ रहा है, तो आप सभी को वहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा जो ऑरेंज कलर है गाइज कुछ इस टाइप से, ये रेड के आसपास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है गाइज, तो 24 प्लस पे है, तो आप सभी को इतना कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को डन कर देना है। ठीक है गाइज, इतना हो जाने के बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। ठीक है, तो मैंने कहा जो मॉडल का बैकग्राउंड है वो पहले से ही इरेज कर रखा है, तो जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख के सिंपली इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस हमारा जो मॉडल यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से कर देंगे सिंपली डन। ठीक है, तो यहाँ से डन कर देने के बाद आप सभी को करना है क्या गाइस, आप सभी को एक मतलब कि मैंने स्टार के जो पीएनजी है, तो जो मतलब कि काफ़ी 4-5 स्टार है उसमें, तो मैंने उसको पीएनजी भी दे रखा है। तो आप सभी को करना है कि आप सभी को सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड ऐड कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है, मैंने एकदम स्क्रीन के सबसे स्टार्स बना रखे हैं। तो उसके बाद आप सभी को करना है क्या, इसकी ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद यहीं से आप सभी को मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि 1-2 स्टार और दिखे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट पर जाएंगे एंड ऐसे डुप्लीकेट कर देंगे। एंड उसके बाद हम सिंपली इस तरीके से रोटेट करके हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे जो गाइस इस साइड में जो स्टार्स हैं कुछ ज़्यादा ही हो गए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्टार है हम इसको रिमूव कर देंगे इरेज करके। ठीक है, तो ये यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद आप सभी को जी जो स्टार है हमें इसको थोड़ा सा मतलब एक स्टार को आधा दिखाना है यहाँ से, उसके लिए क्या करेंगे हम इसे जूम करके ऐसे लगा देंगे एंड ऐसे कर देंगे डन। ओके गाइज, तो इतना काम हो जाने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में दोबारा से। दोबारा में ऐड फोटो जाने के बाद आप सभी को ये वाला एक स्टार का पीएनजी है, तो ये भी मैंने आप सभी को दे रखा है, ये आपके फ्रंट के पास आएगा आपके मॉडल के सामने, तो उसको आपको लास्ट में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देने के बाद आप सभी को इसको जाना है ब्लेंडिंग मोड और उसको कर देना स्क्रीन। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना है डन। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्ट हो चुकी है, अभी हमें कुछ पीएनजी सोल लगाने, एक लाइट का पीएनजी गाइस जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पीएनजी हमें कहाँ लगाना है मैं आपसे बताता हूँ, तो आप सभी को जाना ब्लेंडिंग मोड में, इसको कर देना स्क्रीन। एंड स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को सिंपली आपको ये जो वाइट वाइट आप सभी को दिख रहे होंगे स्टार के अंदर, आप सभी को सिंपली इसको यहाँ पे वहाँ पे लगाना है। ठीक है, जो उसका बीच का पॉइंट होगा लाइट का, उसको आप सभी को इस वाइट वाले कलर में ले जाना है। एंड जो बाकी रिफ्लेक्शन वगैरह होंगी वो तो आपके ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ लगा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को डुप्लीकेट कर करके आपको 3-4 जगह लगाना है अपने हेयर के पास एंड दोनों दोनों तरफ। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है, फिर दोबारा डुप्लीकेट कर देना है एंड यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि यार आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। उस यहाँ पे जो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को क्या जिसका जो मतलब कि साइज़ है आप सभी को उसको थोड़ा सा मतलब छोटा करके इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे इस साइड में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लगाना है ताकि क्या जो मतलब कि यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा इसको इस साइड में करके लगाया है। तो आप सभी को कुछ इस साइड से लगा देना है, इसकी ओपेसिटी को आपको यहाँ पे कम रखना है। ठीक है, ताकि जो मतलब कि इसकी जो ओपेसिटी ज़्यादा ना हो, तो इसको यहाँ पे इस वाले का ओपेसिटी कम रखना है। ठीक है, यहाँ से कर देना है डन। एंड उसके बाद जो आप सभी को गाइस दोबारा जाना है ऐड फोटो में, तो आप सभी को मैंने पार्टिकल का पीएनजी दे रखा है, तो आप सभी को पार्टिकल का पीएनजी जरूर लगाना है, क्योंकि यार उससे जो मतलब ये पार्टिकल से पीएनजी है उससे काफ़ी अच्छी लगेगी हमारी फोटो। तो पीएनजी मैंने आप सभी को दे रखा है, तो जितने भी बैकग्राउंड पीएनजी है सब आप सभी को मैंने बिल्कुल दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बिल्कुल वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो अभी मैं यहाँ से पहले उस पीएनजी को ले लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हमने ले लिया है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली इसके हम ब्लेंडिंग मोड पहले स्क्रीन कर देंगे। एंड उसके बाद हम सिंपली इसको यहाँ से इस मतलब कि फुल स्क्रीन करके एंड यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइस मतलब कि कुछ होंगे तो मतलब कि जो फेस पे एंड हमारे यहाँ पे आ रहे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इरेजर टूल से उसको इरेज कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले आई के पास आ रहा हमारे, तो यहाँ से इरेज कर लेते पहले इसको। एंड यहाँ से जितना मतलब कि जहाँ जहाँ पे आया आपको जहाँ जहाँ पे पसंद ना हो मतलब कि अच्छा ना लग रहा हो, वहाँ से आप रेस कर लेना, हेयर के पास जैसे कि हो गया वहाँ पे रेस कर लेना। एंड उसके बाद ऊपर से टिकम कर देना
एंड उसके बाद यहाँ से कर देना डन। ठीक है, तो गाइस अब बात आती है हमारी कलर क्रिएशन की, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ से कर लेंगे फोटो को सेव एंड चलेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। सो जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है यार मेरे को, तो यार मेरे को वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि यार आपसे भी ऐसे ऐसे कंटेंट हमेशा मिलते रहे आप सभी को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। एंड बाकी चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम, मतलब कि पहले मतलब फोटो तो हमने ऐड कर लिया बट अभी यहाँ पर हुई नहीं है, तो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे लाइट रूम में। एंड उसके बाद जो है आप सभी को नीचे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है इसको बढ़ा देना है, हाईलाइट है जिसको भी बढ़ा देना है एंड शेडो को कम कर देना है। ठीक है, एंड शेडो कम कर देने के बाद आप सभी को वाइट को बढ़ा देना है एंड ब्लैक है जो इसको कम कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, कलर्स वाले में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर इसको माइनस में कर देना है। ओके, इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है मिक्स में ऑरेंज कलर जो इसके सैचुरेशन को माइनस करना है प्लस में रखना है एंड उसके बाद जो आप सभी को येलो कलर इसका जो ह्यू है इसको माइनस में कर देना है एंड जो ब्लू कलर है, ठीक है, तो ब्लू कलर है इसका जो सैचुरेशन को माइनस कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना है डन एंड उसके बाद आप सभी को जाना है नीचे वाले टूल में। ठीक है, नीचे वाले टूल में जाने के बाद जो फोटो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड जो विग्नेट है उसको हल्का सा डालना है, क्योंकि क्या हमारा जो बैकग्राउंड पहले से ब्लैक है तो उसके लिए हम विग्नेट जरूर डालेंगे एंड उसके बाद जो ग्रेन अमाउंट हम इसको बढ़ा देंगे एंड उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देंगे एंड जो नोट डायरेक्शन है इसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड जो कलर नोट डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देंगे एंड वापस से जाएंगे हम कलर्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ से बैक चल गए एंड कलर्स वाले में एंड आप सबको ये मिक्स के बगल में जो थ्री पॉइंट है इसमें जाना है एंड उसके बाद आप सभी को इसको ऑरेंज कलर में दे देना है। ठीक है, तीनों पॉइंट जो हाईलाइट्स वगैरह जितने भी हैं सभी को आपको मतलब कि ऑरेंज कलर में देना है। ठीक है, क्योंकि यार जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऑरेंज कलर में ही, तो इसलिए हम इसको ऑरेंज कलर ऑरेंज टोन ही देंगे। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को कर देना डन एंड उसके बाद आप सबको जाना है सिलेक्टिव टूल्स में, सिलेक्टिव टूल्स में जाएंगे एंड यहाँ से आप सभी को क्या करना है, आप सभी को मतलब कि यहाँ से सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आप सभी को प्लस पे क्लिक कर देना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, सर्कल वाला लेना है एंड उसके बाद आप सबको सिंपली से प्रेस करते हुए आप सभी को पूरे फेस पे लाना है एंड यहाँ पे आप सबके एक्सपोजर को बढ़ा देना है ताकि जो आपको बैकग्राउंड में स्टार है और जो फेस है आपका इससे मैच हो जाए। ठीक है, तो एक्सपोजर को बढ़ा दोगे तो दोनों मैच हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैच हो गया है। तो उसके बाद हम अगेन जाएंगे प्लस वाले ऑप्शन में एंड जहाँ से हम थर्ड वाला ऑप्शन लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से इसका जो एक्सपोजर है यहाँ से कम कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा नीचे से जो है थोड़ा डार्क हो जाए, तो हम ऐसे एक्सपोजर बढ़ा देंगे एंड उसके बाद अगेन प्लस वाले पे जाएंगे एंड जो सर्कल इसको बढ़ा इसको लेंगे एंड इसको यहाँ पे सिंपली फुल स्क्रीन करके एंड यहाँ से हम प्रेस करके यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे एंड जो फोटो क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारी फोटो एडिट हो चुकी है गाइस। ठीक है, तो आई होप कि यार आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।